हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन। तो हम कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहली बात, यदि आप कोई भी दो मैट्रिक्स है, अब उस दो मैट्रिक्स को आप यदि मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो एक उस पर रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो। तो क्या रूल है, आज हम इस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहला रूल ये है कि मान लेते कोई एक मैट्रिक्स है जिसका कुछ भी ऑर्डर है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं m बाई एन, इसका ऑर्डर क्या है आपका m बाई एन है, और आपका दूसरा मैट्रिक्स जो है वो b मैट्रिक्स है, वो इसका ऑर्डर क्या है आपका मान लेते हैं n बाय कुछ भी है, p है दूसरा ऑर्डर, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है n बाय p। तो देखिए, हम बोलेंगे कि आप मल्टीप्लाई करो a इंटू b, आपको a मैट्रिक्स पे बी मैट्रिक्स क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, ये पॉसिबल तभी होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तभी होगा जब ए का रो, सॉरी ए का कॉलम और बी का रो आपस में इक्वल होगा। तो देखिए, यहाँ पे ए का कॉलम कॉलम क्या है एन है, और बी का रो क्या है एन है, इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स क्या है ना पॉसिबल है, ए बी मैट्रिक्स क्या है पॉसिबल है। अब यही जगह हम बोल देते हैं b इंटू ए, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं b इंटू ए। तो जब हम इसमें b इंटू ए बोलेंगे तो b का रो, सॉरी b का कॉलम, तो b का कॉलम यहाँ पे क्या है देखा जाए तो b का कॉलम यहाँ पे p है, यहाँ पे b का कॉलम क्या है p है, और a का रो क्या है m है, और ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपका बी ए मैट्रिक्स आपका पॉसिबल नहीं होगा, यानी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, समझ पा रहे हो। यानी यदि कोई भी दो मैट्रिक्स है, हम उसका बोलेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यदि a इंटू बी कर रहे हैं, a इंटू बी, तो हम देखेंगे a का कॉलम यहां पर कितना है n, और b का रो, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल, इसलिए a भी क्या है पॉसिबल है। अब यदि हम बी ए मैट्रिक्स का ले, हम क्या ले बी ए मैट्रिक्स को, तो बी का कॉलम आपका क्या है पी है, और ए का रो क्या है एम, ये आपस में इक्वल है इसलिए नॉट पॉसिबल। तो आपको बताना है, आपको बताना है, आप इसे कॉपी कर लो, आपको बताना है कि एक मैट्रिक्स है टू थ्री फोर फाइव, तो देख, तो ए बी एंड बी ए, अब आप बताओ कि क्या ए बी मैट्रिक्स पॉसिबल है, यानी ए इंटू बी क्या पॉसिबल है, ए इंटू बी क्या है आपका पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि इसका 2 बाई टू और इसका 2 बाई टू, यानी इसका कॉलम और इसका रो आपस में क्या है बराबर है, उसी तरह b बाई टू करेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा बराबर है। बट हम यही यदि यहाँ पे एक p मैट्रिक्स लेते हैं, आपका है 1 2 3 4, आपका p मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4, और एक q मैट्रिक्स है 1 2, अब हम बोलेंगे कि आप pq मैट्रिक्स होते, तो हम देखेंगे pq मैट्रिक्स यानी p का कॉलम, यानी ये क्या है 2 बाई 2 मैट्रिक्स है, और ये आपका क्या है 2 बाई 1 है। तो देखिए, PQ यानी P का कॉलम कितना है 2 है, और Q का रो यानी ये क्या है पॉसिबल, ये आपका क्या है पॉसिबल। बट यही यदि हम QP बोल देते Q इंटू पी, तो Q का रो सॉरी Q का कॉलम, Q का कॉलम क्या है 2 है, और P का रो 2 है, इसका मतलब ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसे जरा फिर से विजुलाइज कर लो, पहले क्यू मैट्रिक्स को लिखो 1 2, उसके बाद क्या लिखो ना बी मैट्रिक्स को लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो इसका कॉलम कितना है 1 है, इसका रो क्या है 2 है, 1 = not 2, इसलिए ये नॉट पॉसिबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे लिखो। उसके बाद अगले एग्जाम्पल लेते हैं, अब देखिए
एक ए मैट्रिक्स है 2 3 1 4 2 1 6 2 2, एक जी मैट्रिक्स है और यहाँ पर एक क्यू मैट्रिक्स है 2 3 1। ठीक, अब आपको बताना है कि एक क्यू मैट्रिक्स पॉसिबल है या नहीं, एक क्यू मैट्रिक्स आपको पॉसिबल है या फिर नहीं। सबसे पहले ए का नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये तो 3/3 है और ये आपका क्या है 3/1, यानी ए का कॉलम और बी का रो आपस में क्या है इक्वल है, यानी नंबर ऑफ कॉलम कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम कॉलम इन बी, ये आपस में क्या है इक्वल है, दैट्स व्हाई ए क्यूब पॉसिबल, ए क्यूब पॉसिबल। अब यहां पे बात आती है कि सर कि इस AQ मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या होगा, AQ मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर क्या होगा। देखिए AQ मैट्रिक्स का जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा ना, A का रो बोले तो 3 और Q का कॉलम, यानी AQ मैट्रिक्स का जो आपका ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा ना, A का रो 3 आपका क्या है, A का रो 3 और Q का कॉलम 1, यानी 3/1 मैट्रिक्स है। ठीक, और एक बार AQ मैट्रिक्स का जो आपका ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, आपका जो ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा, A का रो और Q का कॉलम, यानी A का रो आपका क्या है 3 है और Q का कॉलम क्या है नंबर, यानी AQ मैट्रिक्स से ही आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर। अब देखिए बात तो आती है कि अब इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। हम तो ये जान लिए कि आपका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है, अब बात आती है कि हम मैट्रिक्स का अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले बात, ए मैट्रिक्स जो है 1 2 4 2 और आपका बी मैट्रिक्स है 1 2। अब सबसे पहली बात ये बताइए कि ए बी मैट्रिक्स का आपका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो देखिए ए बी तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर 2/1, इसका मतलब ए बी मैट्रिक्स का आपका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ए का कॉलम और बी का रो इक्वल है, ए का कॉलम और बी का रो आपका क्या है इक्वल है, दैट्स व्हाई आपका जो ए बी मैट्रिक्स हो जाएगा, इसे जरा गौर से देखिए, इस चीज को आप जरा ध्यान से देखिए 1 2 4 2 और बी मैट्रिक्स क्या है आपका 1 2। तो देखिए आप इसका मल्टीप्लीकेशन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात ये वाला रो इस कॉलम से गुना होगा, ये वाला रो इस कॉलम से गुना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, और इसे गुणा करने से पहले ये बता दीजिए इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा आपका ना, ए का रो और क्यू का कॉलम, यानी इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2/1, यानी यहां पे एक एलिमेंट एक यहां पे एलिमेंट। ठीक, अब देखिए ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा आपका, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, देखिए जरा गौर से देखिए, ये रो ये कॉलम, ये रो ये कॉलम आपस में क्या होगा गुणा होगा, बोले तो 1 इसके साथ, यानी 1 × 1 उसके बाद 2 × प्लस यहां पे क्या हो जाएगा +2 × 2। ठीक, उसके बाद नीचे वाला जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाला रो और ये वाला कॉलम, यानी 4 × 1 + 2 × 2, यानी आपका जो ए बी मैट्रिक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 + 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 + 4,
लिख सकते हैं इच इज सिक्स और ये, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी मैट्रिक्स।